डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले जो है हम पहले कुछ टेक्निक्स करेंगे. दैट इज फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज द टेक्निक. Separation of cut DNA fragments based on their size. करते कैसे है, प्रोसेस क्या है. फर्स्ट है जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, किसी का भी आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल. एंजाइम्स आई हैव टोल्ड यू, बाय एंजाइम्स. कौन कौन से एंजाइम्स, अगर प्लांट में से है तो सेलुलेसेस, पेक्टिनेसेस. अगर फंगल सेल में से है तो काइटिनेसेस, जो सेल वॉल को डिसॉल्व करे. अगर बैक्टीरियल सेल में से है तो लाइसोसाइम अलोंग विथ लाइपेसिस. मेन ये सेल वॉल डिसॉल्व करना मेन, ठीक है जी. पहले तो हमने आइसोलेट कर, दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो वो आइसोलेटेड डीएनए है वो बहुत बड़ा डीएनए है, उसको फ्रेगमेंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस. दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय स्पेसिफिक RE मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस. देन थर्ड आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ जेल प्लेट. ये कैसे करते हैं, पाउडर ऑफ एगरोस. एगरोस इज एगर एगर, आपने प्लस वन में मैंने आपको करवाया था, एगर एगर ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एंड. पाउडर ऑफ एगरोस और ये सिंथेटिक है पॉली एक्रिलामाइड, ठीक है, या एगरोस या पॉली एक्रिलामाइड इज mixed in, you know, water and boiled. जैसे जेली है, ठंडे पानी में नहीं घुलती, आपने जेली घर में बनाई होगी, उसको बॉइल करना पड़ता है, गर्म पानी में ही घुलती है. इसी टाइप से ये है, वॉटर एंड बॉइल्ड एज एगर और पॉलीएक्रिलामाइड. मैंने ये एब्रीविएशन नहीं है, ये मैंने लिखी है, इसलिए आपने पूरी खुद लिखनी है, मैं यहाँ नहीं लिखती, आपने पूरा लिखना है. पॉली एक्रिलामाइड इज सोल्युबल इन बॉइल्ड वॉटर.
देन इट इज अलाउड टू कूल ऑन द प्लेट. आपने देखा प्लेट कैसे होती है, मतलब इस एक प्लास्टिक टाइप से, प्लास्टिक तो नहीं होता है ना, बट उस टाइप की प्लेट होती है जिसमें हम डाल के इट इज अलाउड टू कूल. इट फॉर्म्स अ जेल प्लेट. ठीक है जी. उसके बाद जेल प्लेट इज प्लेस्ड इन बफर एंड इज कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स एट टू वेंड्स. Then the solution is loaded on gel plate at cathode, negative electrode. Cathode है negative electrode. उसके बाद करंट इज स्विच ऑन डीएनए फ्रेगमेंट्स. जो कौन सा चार्ज है सरगम, डीएनए फ्रेगमेंट्स पे कौन सा चार्ज करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज है. बिल्कुल ठीक है. डीएनए फ्रेगमेंट्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रो. ठीक है. जो स्मॉलर सेगमेंट्स है मूव क्विकली ठीक है, देन लार्जर सेगमेंट्स ऑब्वियसली जेल प्लेट टेकन आफ्टर सम टाइम. वो डिसाइडेड होता है भी कितने टाइम बाद उसको बाहर निकालना है. स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड. आपने देखा था ब्लू कलर का स्टेन होता रहता है इथिडियम ब्रोमाइड राइट, एंड देन इट इज ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी रेज राइट. तो हमें फ्रेगमेंट्स जो है इस तरह से अगर ये जेल प्लेट है, ये वेल्स है जहां पे हमने डीएनए की सॉल्यूशन डाला था. इट इज कनेक्टेड विद कैथोड और ये है
एनोड और हम क्या देखते हैं, इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो जाती है, राइट? सो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पहले दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय विच वी कैन सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर यू नो साइज, राइट? पहले ये लिखो फिर आगे चलो। ये थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख लेना कि ऑब्जर्व इन द यूवी रेस डीएनए अपीयर्स एज ऑरेंज कलर्ड बैंड। जब हम यूवी रेडिएशंस के नीचे देखेंगे तो हमें डीएनए कैसे ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आए, राइट? और यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे जो जेल है डीएनए मूव्स टू जेल ड्यू टू सीविंग इफेक्ट। सीविंग होता है छन्नी, सीविंग इफेक्ट या प्रॉपर्टी ऑफ एगारोस जेल, एगारोस या पॉलीएथिलामाइड जेल। ये जो जेल है ये नेटवर्क बनाता है, ये एगारोस या पॉलीएथिलामाइड नेटवर्क बनाता है सो दैट स्मॉल पोर्स आर फॉर्म थ्रू विच द डीएनए फ्रेगमेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए। इफ वी वांट टू, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो नहीं हम करते बट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कर सकते हैं। इफ वी वांट टू टेक आउट एनी डीएनए फ्रेगमेंट, हमें चाहिए कि ये स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, देन the DNA fragments are cut with the help of the DNA fragment is cut from the gel plate with the help of chilled ethanol, with the help of chilled ethanol. The process of cutting off DNA fragments from the gel plate is called as elution. ठीक है जी, सो दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट एक और प्रोसेस आ जाती है पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ
डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले एक हमने प्रोसेस हमारे आने से पहले जस्ट अभी किया, दैट इज यू नो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। दिस इज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हमें एक फ्रेगमेंट लेट अस से हमें जो है क्राइम सीन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लेट अस से हम क्राइम सीन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा मतलब कुछ ड्रॉप्स मिले हैं ब्लड के, राइट, उसमें से हमने डीएनए निकाला बट वो बहुत थोड़ा सा है। हम कैसे उसको टेस्ट करें, हमने बहुत सारा जो है टेस्टिंग करनी है, तो उस ब्लड से जो उसका डीएनए मिला है उसके हमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए डीएनए के, वो हम कैसे बनाएं, राइट। सो इट हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, दैट इज we can make billions of copies of same DNA by PCR. Billions of DNA molecules हम बना सकते हैं similar, ठीक है, जैसे हम फोटोकॉपियर नहीं करते कि एक डॉक्यूमेंट आ जाए और चाहिए हमने नोट्स है, नोट्स की एक ही कॉपी है और क्लास में बच्चे 50 है, करें क्या, तो उसके हम 50-50 फोटोकॉपीज बना देते हैं, राइट, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह से पीसीआर में एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी फोटोकॉपीज बनाना, तो फोटोकॉपीज कौन बना रहा है, दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें तीन स्टेप्स आ जाते, what are the three steps, first is denaturation, second hai annealing and third hai elongation। ab humne sabse pehle dhyan se samajhna hai fir main likhungi, sabse pehle हमने एक obviously PCR की एक बहुत बड़ी मशीन होती है, बट हमने लेट अस से ये PCR मशीन है, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन डीएनए मॉलिक्यूल डाल दिया एंड इट इज टेम्परेचर about 97 to 98 degrees, इतना टेम्परेचर, जिससे क्या हुआ, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल हमने डाला था हाई टेम्परेचर 97 to 98 degrees centigrade, इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स डीएनए के अलग अलग हो गए, डीनेचुरेशन। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, दैट इज डीनेचुरेशन, दैट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद हमने डीएनए मॉलिक्यूल के साथ साथ हमने क्या डाले थे, टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए एज प्राइमर्स, ठीक है जी। तो सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ बेटा, एनीलिंग हुई क्योंकि हमने प्राइमर्स डाले, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे जो दो सेगमेंट्स एट अबाउट 92 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर जो है थोड़ा कम कर दिया 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, तो अब
अब क्या हुआ, यहाँ पे आकर प्राइमर्स अटैच हो गए, दिस इज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए। अब आपको पता है प्राइमर्स कहाँ पे अटैच होंगे, डीएनए की 3' एंड पे। यहां पे प्राइमर आकर अटैच होगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे फिर लो टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हुआ 92 डिग्री से। थर्ड स्टेप आया, दैट इज इलोंगेशन, क्योंकि साथ में हमने क्या डाला हुआ था, बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपने पूरा करना है, और यहाँ पे एंजाइम है स्पेसिफिक, दैट इज एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, ये भी हमने यहाँ पे डाला हुआ था इस सॉल्यूशन। दिस इज टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, और इसने इसने अब थर्ड स्टेप किया, दैट इज इलोंगेशन। प्राइमर के साथ आकर व्हाट हैपेंस, दैट दिस इज लेट अस से प्राइमर, इसके साथ आके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ने शुरू हो गए। इसी तरह से ये प्राइमर है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दिस इज 5', दिस इज 3', दिस इज 5', दिस इज 3', एंड इन दिस वे द टू स्ट्रैंड, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए होंगे, पूरे होंगे, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विल बी फॉर्म। अगेन फिर दोबारा से टेम्परेचर हाई किया जाएगा, ताकि फिर इन दोनों के स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाए। अगेन द सेम साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, एंड इन अबाउट तकरीबन जो है इन अबाउट हाफ एन आवर 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द डीएनए कैन बी फॉर्म बाय पीसी, राइट। तो डीनेचुरेशन, पहले ध्यान से सुन लो, डीनेचुरेशन इज यू नो separation of two strands of DNA at high temperature, दोनों strands अलग अलग हो जाते, annealing, joining of RNA primers at 3' end of each DNA molecule, each DNA strand, elongation, attaching of deoxy ribonucleotides at 3' end of primer. Resulting in formation of 2 DNA molecules
फ्रॉम 1 बिलियन. जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन बाय पैक पॉलीमर्स, ये डीएनए पॉलीमरेज है आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस. ये जो है मैं यहां पर लिख रही हूं, ये जो बैक्टीरिया है इट लिव्स इन हॉट वाटर. देयरफॉर जो टैग पॉलीमरेज है इज स्टेबल और यू कैन से रेजिस्टेंट टू हाई टेंपरेचर, राइट. सो दिस इज पीसीआर, राइट. इन 30 मिनट्स अबाउट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म. तो अगर क्राइम सीन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्राइम सीन से अगर हमें थोड़ा सा सैंपल, हमें किसी का हेयर फॉलिकल छोटा सा मिला है, उसमें हमें थोड़ा सा डीएनए मिलेगा, तो उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं. ठीक है, पीसीआर का यूज हम और भी बड़ी चीजों से कर सकते हैं. हमें एक माइक्रोब मिल गया, हमें उसका पता नहीं चल रहा, हमने उसका स्टडी करना है थोड़े से उसके, तो हम उसके डीएनए निकाल के उसके और वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर देते हैं. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, क्योंकि कैंसर एट अर्ली स्टेजेस, क्योंकि पहले कैंसर सेल्स बहुत थोड़े हैं, दिखते ही नहीं है, उनको स्टडी करने के लिए उनका डीएनए बहुत ज्यादा चाहिए, क्या म्यूटेशन होगी, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं. तो हम क्या करते हैं कि वो जो एबनॉर्मल है सेल्स, हमें पता नहीं चल रहा कि वो कैंसर सेल्स है या नहीं है, बट वो हमने एबनॉर्मल सेल्स निकाले और वो थोड़े से सेल्स है, ज्यादा है ही नहीं है, उनको स्टडी करने के लिए, बहुत ज्यादा स्टडीज करने के लिए हम उसके डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं अगेन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट. लिखो पहले कि अब किसी सेल में से हमने जो है वो पूरा डीएनए निकाल लिया. अब हमने स्पेसिफिक डीएनए, स्पेसिफिक जीन देखनी है. लेट अस से हमने उसमें से इंसुलिन बनाने वाली जीन देखनी है. अब वो जीन, वो कोई भी जो ये फ्रेगमेंट्स हमें दिखे, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन वाला, ऐसा नहीं पता चलता. ठीक है, तो अब हम एक तुक्का है कि भाई कहाँ पे ये इंसुलिन वाली जीन कहाँ पे है. ऑल्दो वी नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन फॉर इंसुलिन, बट हमें सीक्वेंस दिखता तो है नहीं. अब हमने वो पूरा ह्यूमन जीनोम लिया, उसको फ्रेगमेंट किया, अब उसमें से हमने इंसुलिन वाली जीन निकाली है, तो वो कैसे निकाली. ठीक है, तो हमने टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए और टू डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए और टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स वी हैव यू नो ब्लॉटिंग टेक्निक्स. नेक्स्ट आ जाता है ब्लॉटिंग. हमारे पास 3 टाइप की ब्लॉटिंग्स हैं. एक है सदरन ब्लॉटिंग, नदरन ब्लॉटिंग एंड अनदर इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग. याद रखना है कोई ईस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं है. हमने इनका नाम ऐसा क्यों दे दिया,
Southern blotting, it was discovered by साइंटिस्ट का नाम था पीएम सदरन, इसलिए ये सदरन ब्लॉटिंग आई, बट फिर वो साउथ से नॉर्थ और वेस्ट कर दिया, अदरवाइज नदरन का ये नहीं कि कोई नदरन नाम का कोई साइंटिस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये पहला दैट इज सदरन ब्लॉटिंग आई, उसके बाद नदरन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग का क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हो, डीएनए फ्रेगमेंट, स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को पहचानने की जो प्रोसेस है, उसको डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस है, दिस इज सदरन ब्लॉटिंग। फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, दैट इज नदरन ब्लॉटिंग। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग अगर आपको याद हो तो हमने डिजीजेस में जब हमने किया था एड्स के बारे में, तो एड्स इज डायग्नोज्ड बाय अलाइसा एंड इज कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो ये है डिटेक्शन ऑफ इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम और क्या कह देते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। इसमें हम कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं? सदरन ब्लॉटिंग। तो सदरन ब्लॉटिंग क्या है? इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया, अगेन वही आइसोलेशन ऑफ डीएनए कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेपरेशन ऑफ कट फ्रेगमेंट्स बाय स्पेसिफिक, हम कह देते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन अब ये सेपरेट हो गई है जेल प्लेट के अलग अलग ये आ गई, देन शिफ्टिंग ऑफ कट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन नाइट्रोसेल्युलोज शीट्स, नाइट्रोसेल्युलोज की शीट से ये जेल प्लेट को शीट्स लेते हैं, जेल प्लेट उसके ऊपर रखते हैं और बहुत सारा वेट डालते हैं और बफर में रख देते हैं, बफर में फ्रेगमेंट्स मूव करती है। ठीक है, दोबारा से कि बफर में हमने नाइट्रोसेल्युलोज शीट रखी, उसके ऊपर जेल प्लेट रखी और बहुत सारा उसके ऊपर वेट डाल दिया, सो दैट एग्जैक्टली एट सेम पोजीशन
the fragments get shifted to the nitrocellulose sheets. ठीक है जी. उसके बाद हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर बफर में ही रहने दिया. हाई टेम्परेचर दैट इज डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर और ट्रीटमेंट विद एल्कली. Denaturation of DNA fragments. उसके बाद है addition of radioactive probes. Which has radioactive single-stranded DNA fragment of known sequence. हमें पता है हमने किस सीक्वेंस वाली फ्रेगमेंट ढूंढनी है, तो हमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाली रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाल दी. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोब्स बाइंड्स विद specific DNA fragments. पूरा लिख लो. ठीक है, उसके साथ बाइंड कर दिए. देन वॉशिंग विद, अगेन हमने क्या किया, बफर से वॉश किया. टू यू नो टू wash off single-stranded DNA, क्योंकि जो प्रोब से नहीं बाइंड करेगा वो सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा, तो उन सबको हमने वॉश ऑफ कर दिया. देन ऑब्जर्व बाय एक्सरे. ठीक है, तो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमने वो डीएनए फ्रेगमेंट निकालनी है तो हमें ल्यूशन कर लेंगे, दैट इज ए सेपरेट. बट ये हमने देख लिया कि हाँ भाई इस सैंपल में ये वाली जीन है, यहाँ पे है इसका मतलब, फिर हम उस जीन को सेपरेट करके आगे जो हमने काम करना है वो हम कर सकते. दिस इज सदरंग. ठीक है, लिखो तो ये नाइट्रोसेलुलोस और नाइलॉन शीट्स मैंने बताया ऑब्जर्व्ड बाय एक्सरेज, और यहां पे लिख लो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियो ग्राफी, GRAPHI, ऑटो रेडियोग्राफी. नेक्स्ट हम आ जाते बेटा सैटेलाइट डीएनए.
What is satellite DNA? Satellite is repetitive DNA. जैसे A T G G C T, A T G G C T, A T G G C T. So if it is repeated, a DNA fragment, ठीक है, ये बहुत बड़ा DNA है, but यहाँ पे repetitive sequence है, maybe 100 न्यूक्लियोटाइड, 100 बेस पेयर्स है, मे बी 3000 बेस पेयर्स है, मे बी लेट अस से 50 टू 70 बेस पेयर्स है. इस तरह से दिस इज, दीज आर सैटेलाइट डीएनए विच हैज रेपिटेटिव डीएनए. ठीक है, बट ये सैटेलाइट डीएनए in which the same sequence is repeated many times. But there are different types of repetitive DNA which differ in the sequences, number of sequences. ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 100 times ही repeat हो रहा हो, यहाँ पे मैंने बताया 3000 times repeat हो रहा हो, यहाँ पे सिर्फ 50 या 70 times repeat हो रहा हो. तो length of, या हम कह सकते हैं देयर आर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एंड यू नो मिनी सैटेलाइट डीएनए. Micro satellite DNA has about, you know, 100 about that repeated sequence. So, bar repeat ho raha hai. Mini satellites about few thousand times. Repeated sequence. So the satellite DNA, it is the repetitive DNA. ठीक है, लिखो पहले ये बना लो और लिख लो जरा जल्दी. Satellite DNA can be separated. Satellite DNA can be separated from bulk DNA. Bulk means जो बाकी का non repetitive है. Bulk DNA during density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इन सैटेलाइट डीएनए, इन सैटेलाइट डीएनए रेपिटेशन ऑफ बेसेस इज इन टेंडम. T-A-N-D-E-M, tandem होता है एक के पीछे दूसरा, one behind the other. This is tandem. मतलब जैसे A-T-G-G-C, C-T, फिर A-T-G-G-C-T, इस तरह से एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से is in tandem. Next point है, depending upon length, कितनी बार repeat हो रहा है. Depending upon length या repeated sequence की कितनी length है. हो सकता है A T G G C T मैंने ये बताया, हो सकता है इससे कई, मतलब जो repeated sequence है उसकी length जो है वो 30 base pairs हो,
20 बेस पेयर्स हो, 25 बेस पेयर्स हो, ये भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंस. कॉमा बेस कॉम्पोजिशन, हर जगह एक ही सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा, अलग अलग भी हो सकती है बेस सीक्वेंस. एंड नंबर ऑफ टेंडमली रेपिटेटिव डीएनए, टेंडमली TANDEMLY, टेंडमली रेपिटेटिव यूनिट्स, कॉमा सैटेलाइट डीएनए कैन बी माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट. नेक्स्ट पॉइंट है, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन फंक्शनल, फंक्शन नहीं होता. सैटेलाइट डीएनए इज नॉन फंक्शनल एंड शो पॉलीमॉर्फिज्म. That is, they are different in different individuals. किसी में number of satellite DNA different है, length of satellite DNA different है, ठीक है, इसलिए ये बहुत different है. Shows polymorphism, that is different in different organisms. No two individuals have 100% similar satellite DNA. 100% similar satellite DNA, except identical twins or clones, Next point है, the high degree of polymorphism in repetitive DNA. Repetitive DNA is due to accumulation of lot of mutations in the non-functional satellite DNA from ages. क्योंकि अगर किसी फंक्शनल जीन में म्यूटेशन होती है वो दिख जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मर भी सकते हैं उस म्यूटेशन से, बट सैटेलाइट डीएनए क्योंकि नॉन फंक्शनल है इसमें म्यूटेशंस एक्युमुलेट होती रहती है, और एक में म्यूटेशन होगी इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर, उसमें कोई और म्यूटेशन हुई इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर. तो इतनी सारी म्यूटेशंस हो गई है कि अब नो टू इंडिविजुअल्स हैव सेम सैटेलाइट डीएनए, ठीक है. और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट जो है उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसका मैच करते हैं, राइट. तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, एंड नो क्लास टुमारो, राइट.